नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम जानेंगे बिहार के पहले प्रधानमंत्री के बारे में। देश की आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। यह बात तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहले भी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनमें से पहले प्रधानमंत्री थे मोहम्मद यूनुस, ये बिहार के प्रधानमंत्री थे। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार के प्रधानमंत्री का पद कैसे, तो आइए अब विस्तार से जानते हैं बिहार के प्रधानमंत्री के बारे में। सन 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के तहत साल 1937 में भारत में प्रांत स्तर पर चुनाव हुए। इस चुनाव में बिहार सहित सभी प्रांतों में कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत हुई। तब प्रांत सरकार में गवर्नर के हस्तक्षेप के सवाल पर कांग्रेस ने सभी जगह सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसमें बिहार भी था। बिहार में कांग्रेस के इनकार के बाद बिहार में मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई। मोहम्मद यूनुस के साथ तीन और लोग सरकार का हिस्सा बने, जिसमें से दो गैर मुस्लिम थे। अब कांग्रेस ने पूरे देश में सरकार बनाने से मना कर दिया, तो ऐसे में बिहार के यूनुस ने 1 अप्रैल 1937 को पूरे भारत में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले पहले शख्स बने और वे 19 जुलाई 1937 तक अपने पद पर बने रहे। उन्हें कुल 109 दिनों तक काम करने का मौका मिला। मोहम्मद यूनुस के कार्यों को लेकर बीबीसी से बात करते हुए राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि अपने 4 महीने के कार्यकाल में यूनुस ने आश्चर्यजनक कार्य किए। उन्होंने जमीन और किसानों की समस्याएं सुलझाने और कौमी एकता बनाने रखने में विशेष पहल की। साथ ही उन्होंने बिहार विधानमंडल और पटना हाईकोर्ट जैसी इमारतों की नींव रखी। शिवानंद तिवारी यह भी कहते हैं कि आज़ाद भारत में खासकर सरकार के स्तर पर मोहम्मद यूनुस का वैसा सम्मान और पहचान नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। देश की आज़ादी के बाद भी भारत में प्रांतीय सरकारों के मुखिया को प्रधानमंत्री कहा जाता रहा है और देश में यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि देश का नया संविधान नहीं बन गया। आपको बता दें कि साल 1947 के बाद भी सरकारी पत्राचार में प्रांतीय सरकारों के मुखिया को प्रधानमंत्री ही कहकर संबोधित किया जाता रहा है। आपको यह भी बता दें कि खुद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रांतीय सरकारों के मुखिया को प्रधानमंत्री कहकर संबोधित किया था। 1949 से 1950 के बीच में कुछ सरकारी पत्राचारों में प्रांतीय सरकार के मुखिया को प्रीमियर भी कहकर बुलाया गया है। मोहम्मद यूनुस के बाद कांग्रेस के ही श्री कृष्ण सिंह ने इसकी जिम्मेवारी संभाली। श्री कृष्ण सिंह 20 जुलाई 1937 को बिहार के प्रधानमंत्री बने। वह 31 अक्टूबर 1939 तक बिहार के प्रधानमंत्री के पद पर काबिज रहे। उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल 2 साल 104 दिनों का रहा। जब स्वतंत्र भारत का पहला संविधान बना और 1950 में पहली बार चुनाव हुए, तो प्रांतों में बनने वाली सरकार में मुखिया को प्रधानमंत्री का पदनाम दिया गया था। 1950 के चुनाव में भी कांग्रेस को जीत मिली और श्री कृष्ण सिंह आज़ाद भारत में बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। मोहम्मद यूनुस का जन्म 4 मई 1984 को पटना के नज़दीक मसौढ़ी प्रखंड के पनहरा गांव में हुआ था। उनके पिता मौलवी अली हसन मुख्तार तब के जाने माने वकील थे। उन्होंने अपने बेटे को मोहम्मद यूनुस को भी वकील ही बनवाया। यूनुस ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के साथ की थी, लेकिन बाद के दिनों में उन्होंने महात्मा गांधी की असहयोग नीति और दूसरे राजनीतिक कारणों से कांग्रेस से अलग हो गए। फिर उन्होंने 1937 में चुनाव के समय मौलाना सज्जाद के साथ मिलकर मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई। 13 मई 1952 को लंदन में उनका निधन हो गया। तो ये थे बिहार के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही घटनाओं के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।